नाजरीन, आज हम आपको इंट्रोड्यूस करवाने हैं इस्माइल पट्टी और बिलाल पट्टी, जो कि मियाँ वाले के मशहूर गायक कलाकार भी हैं। उसके अलावा ये बांसुरी के अंदर बड़ी महारत रखते हैं और आज इनके इंटरव्यू हम लोग ले रहे हैं और इंशाल्लाह इनके साथ हम आपको अच्छे म्यूज़िक, अच्छा गाना और बहुत कुछ आपको मिलेगा। आप कितने अरसे से इस मौसीकी के अंदर? मौसीकी में मेरे भाई हैं बिलाल भट्टी साहब, ये पहले फुशुक में आते थे और इनका शौक था कि मैं भी सिंगर बनूं, तो अभी ये कह रहे हैं कि स्टार्टिंग है इनकी, तो इंशाल्लाह दोस्तों की मोहब्बत होगी, प्यार होगा, तो प्यार मोहब्बत से सारा काम चलता है। जितने बड़े भी फनकार बने ना, वो नीचे से ऊपर गए हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको तरक्की दे, कामयाब करे। तो आप क्या कहते हैं बिलाल साहब इस बारे में? आपको भी 4 साल हो गए इसी फील्ड के अंदर? हाँ जी, यही कह लेंगे 4 साल। 4 साल आप इस फील्ड में? कोशिश कर रहा हूँ कि अभी करता हूँ, अभी करता हूँ, लेकिन आज मैंने ठान लिए कि आज यहीं से स्टार्ट। चलें इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपका ये सफ़र कामयाब करे। तो आज आप हमें क्या सुना रहे हैं? बस हमारे मियाँ वाली के बहुत अच्छे शायर हैं ज़मान भट्टी, जिनका बहुत अच्छा गाना कभी खड़के दिल मेरे धड़के, वो भी आया था, जो कि पाकिस्तान नहीं बल्कि बैरूनी ममालिक तक वो चला है, तो उनका एक गाना है तोहफा, वो गाना आज हम आप दोस्तों के सामने पेश करेंगे। गाना लिखा है या के मतलब लोगों के मतलब जो मतलब उनके जो अल्फाज आपके अपने भी हैं? कोई अपने हैं, मैं खुद बाहसीत अनाउंसर काम करता हूँ, तो उसके हवाले से दौड़े वगैरह हैं कुछ, लेकिन मेरे चाचू हैं ज़मान भट्टी, उनका लिखा हुआ ये गाना हम आपके सामने पेश करेंगे। थोड़ा सा ये मुझे बताएं, ये दौड़े क्या होते हैं? दौड़ा ये होता है जिसमें क्या कहें कि गीत में तो पूरा कल्चर बहुत से अल्फाजों में बयान किया जाता है और कुछ रिदम वगैरह उसके साथ लगाना पड़ता है। दौड़ा वो होता है कि वो सारी बातों मियाँ वाली की लैंग्वेज में, मियाँ वाली की लैंग्वेज है सही की, उसमें दौड़ा होता है कि सारी बातों का निचोड़। चलें जी, बिस्मिल्लाह आप करें। जी बिस्मिल्लाह। निशानी प्यार
सार भाई लगा लो I'm not gonna lie.